पठानकोट हमले पर अमेरिका ने भारत को दी पाकिस्तान के खिलाफ अहम सबूत। एनआईए को सौंपा 1000 पन्नों का डोजियर। जैश ए मोहम्मद के आतंकी कासिफ और 4 आत्मघाती हमलावरों के बीच बातचीत का रिकॉर्ड भी शामिल। एक हफ्ते बाद भी नहीं मिला वायुसेना के विमान AN-32 का कोई सुराग। भारत अमेरिका से लेगा मदद। 22 जुलाई से लापता है विमान। इस हफ्ते राज्यसभा में पास हो सकता है जीएसटी बिल। मंगलवार को राज्यसभा में पेश होगा जीएसटी बिल। चर्चा के लिए लिस्ट में शामिल। बहस के लिए रखे गए 5 घंटे। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ी। 5 अगस्त तक भर सकते हैं आईटीआर। पहले 31 जुलाई तक भरना था रिटर्न। वित्त मंत्रालय ने जारी किए 7वें वेतन आयोग को लागू करने के निर्देश। अगस्त की सैलरी के साथ ही मिलेगा एक मुश्त एरियर। 1 जनवरी 2016 से लागू होगी बढ़ी हुई सैलरी। महाराष्ट्र में 2 लाख इमारतों को राहत संभव। दिसंबर 2015 से पहले की अवैध इमारतों को लीगल करने की तैयारी। राज्य सरकार हाईकोर्ट में दे सकती है शपथ पत्र। जल्द फाइनल होगी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। सिविल एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने मांगा राज्यों से समर्थन। स्कीम के जरिए हवाई सफर को अफोर्डेबल बनाना मकसद। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई दौरा। नौगांव मोरीगांव जिलों में चल रहे राहत शिविर और काजीरंगा नेशनल पार्क का भी लेंगे जायजा। नरसिंह यादव के रियो ओलंपिक में जाने पर आज खत्म हो सकता है सस्पेंस। नाडा सुनाएगा फैसला। पक्ष में नहीं आने पर हाईकोर्ट जा सकते हैं नरसिंह यादव। जी एंटरटेनमेंट ने जर्मनी में लॉन्च किया बॉलीवुड मूवी चैनल Zee1। जर्मनी में फ्री टू एयर होगा Zee1। बॉलीवुड फिल्मों के लिए समर्पित चैनल होगा Zee1।